चलो करते शुरू। याद करते थोड़ा सा जो अब तक हुआ है, ठीक? उम्मीद है तुम लोग जवाब देंगे, वो भी बिना देखे। हाँ बताएंगे ना? चलो याद करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। टोटल हमको 10 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, अब तक हमारे हुए हैं 6 प्रॉपर्टी पढ़ के। 6 के 6 प्रॉपर्टी याद करते हैं विथ उनका नाम, उनका यूनिट, उनका फॉर्मूला। ओके चल, पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था डेंसिटी। हाँ क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, गुड। यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए 1000, एयर के लिए 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी। न्यू कमर्स थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, ये छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते रहो। डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका दूसरा नाम क्या था? रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म RD, ठीक? उसके बाद गामा, वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। इसके बाकी नाम क्या थे? मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास, सिर्फ डेंसिटी। ओके तीन नाम, ये था मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और स्प्लिट किया था हमने, फिर रिलेशन बनाया था गामा इक्वल टू रोची। वाटर के लिए 1000 इंटू 9.81, इट बिकम्स 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर वाटर, ठीक है? देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ये था 1/रो और 1/गामा, मीटर क्यूब पर केजी या फिर मीटर क्यूब पर न्यूटन। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द बेस्ट प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, ठीक है? क्या था विस्कोसिटी बाय द वे? रेजिस्टेंस टू फ्लो, बराबर, रेजिस्टेंस टू फ्लो। बहुत कुछ था इसका स्टोरी, टेम्परेचर का इफेक्ट, देन ग्राफ वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखा हमने इसका। म्यू इक्वल टू टाउ अप ऑन du बाय dy, ये था कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाउ था अपना शियर स्ट्रेस, और इसका मतलब था शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। इसका नाम था वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यूनिट था पास्कल, इसका यूनिट था 1/सेकेंड, तो विस्कोसिटी का यूनिट बना पास्कल सेकेंड। देन एक्चुअल लॉ अपना ऐसा लिखा हुआ है अपन, टाउ इक्वल टू म्यू du बाय dy, और ये था f बाय a, तो हमने ऐसा भी याद रखा हुआ है, f इक्वल टू a म्यू du बाय dy को u बाय y, तो भी चलेगा। और हमने कई सारे सम इस पे सॉल्व किया, कई सारे, ठीक है? अब ये था f शियर फोर्स, जिसका यूनिट लिखेंगे हम न्यूटन। f इज शियर फोर्स, शियर एरिया, ये म्यू कौन? चार नाम, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू वेलोसिटी। या तो तुम लिख सकते हो आर ओमेगा, या तो तुम लिख सकते हो पाइडियन बाय 60 मीटर पर सेकंड। वाई क्या था? दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? ये था अपना न्यूटन्स लॉ। इसके बाद हमने पढ़ा इस विस्कोसिटी का भाई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये था डायनामिक, ये था काइनेमेटिक। ये क्या बोला हमने? म्यू बाय रो, म्यू बाय रो, काइनेमैटिक। काइनेमैटिक का मतलब मास इज नॉट कंसिडर, और यूनिट था इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अदर यूनिट थे इसके स्टोक एंड सेंटी स्टोक, इसके अदर यूनिट थे पॉइस एंड सेंटी पॉइस, बराबर, ठीक? तो ये 6 प्रॉपर्टी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6, 6 प्रॉपर्टी पढ़ के हुए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ भी करके बचे हुए 4 प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर जो है अपना, चैप्टर 1, आज वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1, यूनिट 1 नहीं बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर 1 बोल रहा हूँ। मैकेनिकल को यूनिट 1 में 4 चैप्टर है, ओके, 4 चैप्टर। और सिविल को यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, ओके, ठीक? ऐसे खुश मत होना सिविल वाले कि दो ही है करके, जो दूसरा चैप्टर है वो बड़ा है तुमको। मैकेनिकल का फर्स्ट चैप्टर बड़ा था, बाकी 3 चैप्टर ओके ओके है, ठीक है? तो
ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, पढ़ना जरूर है सबको, और जो वो चैप्टर उनको है मैकेनिकल वाले, वो चैप्टर तुमको बाद में ऑफलाइन में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है, और सिविल वाले वो भी तुमको भी है जो इनको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, सिलेबस सेम, सीक्वेंस अलग है। ओके, आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और कल के सेशन में शुरू होगा नया चैप्टर जिसका नाम प्रेशर मेजरमेंट, जो भी अभी कॉलेज में मैं भी नाम सुना रहेगा, मैनोमीटर्स है ना, मैनोमीटर जो चल रहा है, कल अपन पूरा टाइम वो मैनोमीटर पढ़ेंगे, प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला, क्या यूनिट, सारी कहानी कल के सेशन में। ओके, लिखते हैं, आज चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन से चार प्रॉपर्टी वो याद दिला देता हूँ, एनी गैस, कौन से चार प्रॉपर्टी बचे अपने, सरफेस टेंशन एक है, सरफेस टेंशन, दूसरा है कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, एंड चौथा कंप्रेसिबिलिटी, चौथा कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें आएगा बल्क मॉडुलस के, ठीक है, चार प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, लिखते हैं। कल जो लोग थे दूसरे बैच में, एक सम और कर लेते पहले, तो जो कल आए थे वो लोग एक सम लिखो मत, बाकी लोग लिखते वो सम, ठीक है, एक आखिरी सम करते फिर ये चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कल थे एफएम के बैच में वो लोग मत लिखो, नहीं तो वापस लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, लिखते। अ स्क्वायर प्लेट 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर, अ स्क्वायर प्लेट 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली इन द मिडल ऑफ अ गैप इन द मिडल ऑफ अ गैप ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, द गैप इज फिल्ड विथ ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 2 पॉइस एंड प्लेट इज पुल्ड एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फोर्स ऑन द प्लेट फुल स्टॉप, नीचे लिखना अभी। नाउ द गैप इज फिल्ड विथ अनादर ऑयल बट द प्लेट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस फुल स्टॉप, द प्लेट इज पुल्ड विथ सेम वेलोसिटी एंड सेम फोर्स। फाइंड विस्कोसिटी ऑफ
फाइंड विस्कोसिटी ऑफ न्यू ऑयल, फाइंड विस्कोसिटी ऑफ न्यू ऑयल. डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया है, पढ़ते जरा क्वेश्चन क्या क्या दिया बताना जरा उसमें. एक गैप है लाइक ऐसा कुछ, उसमें क्या बोला है, एक प्लेट रखा हुआ है और प्लेट का साइज क्या है, 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर, और कहाँ पे रखा है एग्जैक्टली, मिडल में. तो एक ऐसा कुछ डायग्राम, ये साइड उसका 0.5, ये भी 0.5, हाँ, और मिडल में ये गैप का हाइट कितना था, 2.5 सेंटीमीटर. तो ये हाइट हुआ अपना 1.25 सेंटीमीटर, हाँ, और ऑयल का, इधर ऑयल था ये, ठीक है, ऑयल का विस्कोसिटी कितना दिया, म्यू इज 2 पॉइस, मतलब हुआ 0.2 पास्कल सेकंड. ओके, समझता है सबको, अपना क्या था, 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू क्या था, 10 पॉइस, तो 2 पॉइस मतलब हो गया 2 बाय 10, ठीक है, हाँ. आगे वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से खींच रहे हम इसको, u 0.1 मीटर पर सेकंड, और फोर्स निकालना है, ठीक है, सुनेंगे. अभी देखा था अपन ने टाव इक्वल टू, हमने बोला एफ बाय ए और इज इक्वल टू क्या, म्यू यू बाय वाई. तो सिंपल एफ इक्वल टू ए म्यू यू बाय वाई, ऐसा हुआ इक्वेशन अपना, ठीक. एफ अपने को चाहिए एरिया, क्या प्लेट का कौन सा एरिया ऑयल को शियर करेगा, सरफेस एरिया, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 0.5 × 0.5 × विस्कोसिटीज 0.2, वेलोसिटीज 0.1, वेलोसिटीज 0.1, और y का लिखा जाए 1.25 ना कि 2.5, क्या लिखेंगे, 1.25, याद से सेंटीमीटर को बना लेंगे मीटर, कितना था देखो, जीरो पॉइंट फोर न्यूटन, 0.4 न्यूटन, ठीक, सुनेंगे सुनेंगे जरा सा सुनेंगे. अब ये जो फोर्स है ये किसके लिए आया, प्लेट को खींचने के लिए, लेकिन प्लेट का अपर एरिया और बॉटम एरिया दोनों भी ऑयल के साथ कांटेक्ट में था ना, बराबर, हमने एक ही तरफ का एरिया लिया और एक ही तरफ का वाई लिया, तो ये फोर्स भी सिर्फ एक तरफ के लिए ही आया है. अब क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरफ का भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं इस फोर्स का नाम देता हूं F1. तो दूसरे तरफ का फोर्स का आंसर सेम आएगा या अलग आएगा, सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, सब कुछ सेम था, इंपॉर्टेंट था डिस्टेंस, ये 1.25 तो ये भी 1.25, दैट्स वाई जो फोर्स F2 आएगा वो भी सेम होगा, मतलब F2 होगा 0.4 न्यूटन, देयरफॉर एफ विल बी F1 + F2 इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन. समझ में आया, क्लियर सबको, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा इस एरिया को डबल कर देते थे बिकॉज प्लेट के दोनों सरफेस ऑयल के कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ओके. अब सेकेंड केस पढ़ना, क्वेश्चन ने क्या दिया है, नाउ द गैप इज फिल्ड विथ अनदर ऑयल, मतलब अब इस गैप में दूसरा टाइप का ऑयल है, सेम गैप, हाँ, दूसरा ऑयल है. अब प्लेट किधर रखा है, 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कोई भी सरफेस ले लो, सपोज मैंने अपर सरफेस से लिया ये, ओके, ये डिस्टेंस अभी अपने को बोला है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट बचा अभी 2 सेंटीमीटर, एंड वेलोसिटी क्या बोला,
क्या बोला? सेम वेलोसिटी मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, और फोर्स सेम मतलब कितना, 0.8 न्यूटन बराबर, ठीक। और ऑयल का विस्कोसिटी अपने को फाइंड करना है अभी। आप कैसे करें? आप डायरेक्टली देखो, इधर डबल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी सेंटर में है क्या प्लेट? नहीं है, तो अभी भी अपने को आधा आधा पार्टी करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसलिए पहले से वैसा किया। नाउ फिर से क्या लिखेंगे? टोटल एफ इक्वल टू विल बी एफ वन प्लस एफ टू। अब एफ वन क्या लिखूं? फिर से ए म्यू यू बाय वाई, एरिया 0.5 बाय 0.5, म्यू वो तो निकालना है, 0.1 वो पुट कर दे, म्यू पुट करे तो फाइंड क्या करेंगे? हाँ, यू कितना 0.1 और वाई कितना लूंगा मैं एक बार 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10^-2 देखना कितना आता है, एक 0.5 0.5 कैंसिल हो गया, फाइव ना, हाँ दिख रहा है ना, 5 म्यू एफ वन। नाउ एफ टू फिर से एरिया सेम, म्यू अननोन, वेलोसिटी 0.1, अब वाई कितना ले बचा हुआ ना, 2 × 10^-2 - 2, अब बताओ कितना आता है, चेक करेंगे सब लोग, कैसी लाया यूज करने का, बैटरी बचा के कुछ नहीं होता, 1.25 μ। दोनों को उठा के पुट कर दो इसमें, टोटल एफ हमारे पास था 0.8 इक्वल टू 5 μ प्लस 1.25 μ, दैट्स 6.25 μ, म्यू विल बी 1.2 यूनिट पास्कल, और अगर तुमको पूछा होता सेंटीपॉइस में, सेंटीपॉइस में पूछा था तो क्या रिलेशन अपना, 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 1000 सेंटीपॉइस ना, तो अगर ये सेंटीपॉइस में पूछा होता तो क्या करते हैं, इनटू 10^-3। ऑनलाइन में याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए तो जैसे आंसर आया इमिडिएटली क्लिक मत कर देना, बी केयरफुल फॉर यूनिट, उधर आंसर पॉइस में पूछा है, सेंटीपॉइस में पूछा है कि पास्कल सेकंड में पूछा है, ये चीज पे ध्यान देना, ओके। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन में 0.128 भी देंगे, 128 भी देंगे, 12.8 भी देंगे, 1.28 भी देंगे, क्लियर? ठीक, लिखते
हुआ क्या पूरा? लिखता है, चलो टाइटल दो। कैपिलरिटी टाइटल दो, टाइटल दो। कैपिलरिटी क्या रहता है? कैपिलरिटी बहुत कुछ पता है तुमको। राइज और क्या बोल रहे? राइज और फॉल इनसाइड द ट्यूब। जैसे अपन ट्यूब डुबाते हैं किसी लिक्विड में, क्या होता है? लिक्विड राइज होता है या कभी फॉल होता है, उसका अपन बोलते हैं कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल। किस में राइज होता है? वाटर में, और मर्क्यूरी में फॉल होता है। वो ऊपर का सरफेस क्या रहता है? कॉनकेव। किस में? वाटर में। और लिक्विड मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स। बराबर, क्या बोलते हैं उस सरफेस को? मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। एनी फॉर्मूला ऑफ कैपिलरिटी? वो जो हाइट राइज होता है उस हाइट का कुछ इक्वेशन, फोर क्या? अच्छा, व्हाट इज सरफेस टेंशन? जस्ट नाम के लिए, इसके बाद अपन सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। हाँ, क्या होता है सरफेस टेंशन? हाँ, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया कौन? फिर स्ट्रेस या फिर प्रेशर। ओके, या फिर प्रेशर। सरफेस टेंशन पहले तो डिनोट करते हैं बाय सिग्मा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या आएगा फिर? फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर। एनी एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन? एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन? हाँ, बबल्स और मॉस्किटो का मच्छर ऐसे मस्त। अच्छा, पूरा पूर्ण वाक्य तो उत्तर दिया ना, सिर्फ मच्छर क्या करने का? मच्छर का पूरा बोलना भाई। हाँ बोल। मच्छर मच्छर चलता पानी पे, ऐसा ये एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है जो उसने बोला। ओके, ये ऑनलाइन क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ। मॉस्किटो और स्मॉल इंसेक्ट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर इज डैश प्रॉपर्टी, इज बिकॉज ऑफ डैश प्रॉपर्टी एंड आंसर इज सरफेस टेंशन। ओके, व्हाट इज सरफेस टेंशन? जैसे भी अपन कोई लिक्विड का लेयर देखते, वो लिक्विड का लेयर कभी भी सीधा पूरा फ्लैट नहीं होता, वो स्लाइटली कर्व होता है। क्यों होता है कर्व? जो लिक्विड सरफेस होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो अनबैलेंस फोर्स देते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड सरफेस को नीचे खींचते हैं, और नीचे खींचने की वजह से वो सरफेस ऐसा स्लाइटली कर्व हो जाता है। बेसिकली होना चाहिए लिक्विड का सरफेस ऐसा फ्लैट, है ना? लेकिन यहां पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये हर मॉलिक्यूल में ऐसे कुछ चार फोर्स ऐसे, ठीक, जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बट ये जो राइट वाले थे ये बैलेंस हो गए, राइट लेफ्ट वाले। ये जो वर्टिकल है ये क्या हुआ? अनबैलेंस हुआ। तो ये जो यहां पे अनबैलेंस क्रिएट होते हैं सरफेस पे, वो सब मिलके सरफेस को नीचे खींचते हैं एंड सरफेस पे टेंशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टेंशन, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ओके, अब सवाल ये था कि मच्छर पानी पे या कोई भी इंसेक्ट पानी पे चल पाता है, डूबता नहीं, क्यों? आंसर, सिर्फ सरफेस टेंशन। क्यों? लेकिन हाँ, हम्म,
कैसे क्या, ये तो डाउनवर्ड फोर्स, वेट भी उसका डाउनवर्ड रहेगा, कैसे बैलेंस हुआ? बराबर ना, बोलो और कोई? सरफेसेस स्ट्रेच तो एकदम सही है, सरफेस इज स्ट्रेच्ड। वो कई बार रास्ते पे देखा रहेगा, वो कुछ गरीब लोग वो रस्सी लगा के उस पे बैलेंस करके चलते रहते हैं, देखा है ना? ठीक है, तो उस पे ऑब्जर्व करना, अगर वो रस्सी अगर खींच के टाइट करके बांधा हुआ रहेगा दोनों तरफ, तभी वो उस पे वॉक कर पाएंगे ना। अगर वो रस्सी लूज थोड़ा रहेगा तो उस पे अपन वॉक नहीं कर पाएंगे। ओके, वो स्ट्रेच होके टाइट रहना बहुत जरूरी, इसीलिए जब ये सरफेस रहता है अपना, ये क्या हुआ रहता है, स्ट्रेच हुआ रहता है, और उसके ऊपर वो मच्छर इसलिए वॉक कर पाता है, और उसका वेट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ओके, दैट्स वाई उस पर वो वॉक करता है, याद रखना है। ये सब चीजें छोटी छोटी ओरल में, ठीक है, ओरल में, ओरल में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, याद रखो। वहां पे ऐसा नहीं पूछेंगे तुमको इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ वो इंटरव्यू में उलट, ये FM के क्वेश्चन आसान, इंट्रोड्यूस यू आर सेल्फ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता है क्या? इंट्रोड्यूस, इंटरव्यू पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस यू आर सेल्फ, अपन कुछ तो बोलते हैं इंग्लिश में, पहली बार बहुत बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ता अपने को बाद में कई बार ऐसा सवाल होता है कि क्यों सिलेक्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस सवाल का जवाब ढूंढ के रखना, ठीक है, क्यों सिलेक्ट किया मैकेनिकल या क्यों सिलेक्ट किया सिविल, ठीक है, ऐसे बाकी दोस्त कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया तो इस बात का जवाब ढूंढ कर रखो, किस मैकेनिकल फील्ड ही क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है नहीं तो तू बोलेगा ऐसे ही टाइम पास अच्छा, और एक चीज, नाउ ऑनवर्ड्स जब भी हम टैंक दिखाते थे उसमें लिक्विड भरा हुआ है, अपन ऐसे टिक 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 बचपन में टाइम पास करते बैठते थे ना, ठीक है, FM में ऐसा नहीं करने का। FM में एक छोटा सा सिंबल, ये ऐसा ट्रायंगल दिखा दिया है, ये ट्रायंगल दिखा दिया, इसका मतलब वो टैंक वहां तक भरा हुआ है। ओके ठीक याद रखना ये सिंबल उल्टा ट्रायंगल नीचे दो तीन लाइन काम की चीज, ठीक है, टाइम पास नहीं करते बैठना आगे से, ठीक ना। अब आते हैं हम कैपिलरिटी पे, कैपिलरिटी पे हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमने टैंक में कोई ट्यूब डुबा दिया तो उसमें लिक्विड क्या होता है, राइज होता है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे जाके सरफेस ऐसा हो गया, इस सरफेस को हम बोलते हैं मेनिस्कस, और ये सरफेस कैसा है फिलहाल में, कॉनकेव, और अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन, पहले तो ये कौन उसका एंगल, दैट इज थीटा, एंगल इज थीटा, और ये रिप्रेजेंट करेगा उसका क्या, सरफेस टेंशन सिग्मा, सिग्मा इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सपोज ट्यूब, ट्यूब का डायमीटर है डी, ये ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ था यहां तक, ठीक, और जैसे हमने ट्यूब डुबाया ये लिक्विड राइज कर गया यहां तक बाय हाइट एच। अब मुझे इस एच का इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालू, डेरिवेशन आया हुआ है एग्जाम में कई बार 4 मार्क के लिए, रिजॉल्व करें किसको, सिग्मा को, एक सिग्मा कॉस थीटा सिग्मा साइन थीटा, फिर अब देखो जितना लिक्विड, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से देखना, जितना लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर रहा है, जितना लिक्विड उस ट्यूब में राइज कर रहा है, कितना लिक्विड राइज कर रहा है पहले तो एच हाइट तक, मान लो मुझे उस लिक्विड का वेट चाहिए, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं उसका वेट, वेट कौन से फॉर्मूले में आता है, याद रखना, ये वेट कौन से फॉर्मूले में आता है, गामा ना, ठीक है, गामा क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट क्या लिखूंगा मैं, गामा इंटू वॉल्यूम, तो मुझे यहां तक जो लिक्विड गया इस सरफेस से, लिक्विड सरफेस से ऊपर जो गया उसका वॉल्यूम चाहिए था,
उतने इसका। कैसे निकालू? गामा तो फ्लूड का प्रॉपर्टी, वो तो गामा ही रहेगा, है ना, इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। एरिया उसका पाई बाय फोर डी स्क्वायर इनटू लेंथ। लिक्विड सरफेस से कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, एच। तो मैं क्या लिख दूंगा, एच। ये क्या हुआ, वेट। किसका वेट? जितना उस ट्यूब में राइज हुआ है। और वेट कहां पे एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स। कहां पे? डाउनवर्ड्स। नाउ दिस वेट जो कि डाउनवर्ड्स था, इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो एक अपवर्ड फोर्स भी रहेगा ना, बराबर। कौन रहेगा अपवर्ड फोर्स? ये यहां पे जो वेट था, ये ट्यूब देखो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेट था डाउनवर्ड्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो ऊपर है, कौन है? ये जो सिग्मा था, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, एक इसका कंपोनेंट, ये हुआ सिग्मा कॉस थीटा और ये सिग्मा साइन थीटा। लेकिन मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? कर सकते ना, हाँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, बिकॉज ये कौन है? वेट। यूनिट उसका न्यूटन। और ये कौन है? सिग्मा सरफेस टेंशन। यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर। तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ डायरेक्टली उनको? नहीं चलेगा, बराबर। अब फोर्स यहां से कर सकते थे हम, सिग्मा इंटू एल, बराबर। अब बैलेंस कर सकते हम, ये एफ क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एफ क्या था? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। नाउ वेट ऑफ लिक्विड जो कि डाउनवर्ड्स इज बैलेंस्ड बाय, इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब वो अगर मुझे F लिखना है, बेसिकली वो F क्या है मेरा? सिग्मा इंटू एल। लेकिन सिग्मा का कौन सा कंपोनेंट लेना है मुझे, कॉस या साइन? कॉस। तो मतलब क्या लिखूंगा, सिग्मा कॉस थीटा इंटू 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 सरफेस टेंशन। कहां पे आया? हाइट पे आया। सरफेस टेंशन कहां पे आया? सरफेस पे आया ना। तो उसका सरफेस कैसा है? ये टॉप व्यू बना है इसका, लिक्विड का ट्यूब का टॉप व्यू ऐसा है ना, तो उसके हाइट पे आया क्या सरफेस टेंशन? नहीं ना। कहां पे आया? उसके सरकमफेरेंस पे ना। तो सरकमफेरेंस का लेंथ कितना? हम डायमीटर के टर्म में बात कर रहे हैं, पाई डी ना, क्लियर? ठीक। तो यहां पे लिख दूंगा मैं सिग्मा कॉस थीटा इनटू पाई डी। और ये फोर्स कहां पे जा रहा है? अपवर्ड्स। और किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। नाउ इक्वेटिंग बोथ, अब क्या लिखा जाएगा? सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी इक्वल टू गामा पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एच। फाइंड क्या करना है बाय द वे? कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल? तो एच क्या बन जाएगा? पाई डी, पाई डी कैंसर। हाँ, एच इक्वल टू क्या? फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा डी ना, क्लियर? ठीक। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है? फोर तो बेचारा कांस्टेंट, सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। किसका? जो भी लिक्विड रहेगा उसका ना, वाटर तो वाटर का, मर्क्यूरी मर्क्ययूरी, ऑयल या जो भी रहेगा उसका। थीटा एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन एंड लिक्विड सरफेस, सॉरी ट्यूब सरफेस। एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन एंड ट्यूब सरफेस। ओके, अगर ये थीटा जीरो हो गया तो एच का आंसर भी जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो वन होता है ना, बराबर। ठीक। अगर वो एंगल 180 हो गया तब भी वो आंसर जीरो नहीं होगा, कॉस 180 इज माइनस वन, तो वो आंसर नेगेटिव होगा। वो इंडिकेट करेगा कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल, समझा? ठीक। सिग्मा हो गया, थीटा हो गया, गामा वेट डेंसिटी किसका? लिक्विड का, हमेशा वाटर का नहीं लेने का, ओके, जो लिक्विड रहेगा उसका। और डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। यूनिट क्या आएगा इसका? इतनी गंभीर सोच, एच हाइट है ना, तो क्या आएगा? सिंपल, मीटर।
फिर भी कभी भूल गए हम, क्या आया हमको याद नहीं आ रहा, मैच कर लेंगे। सिग्मा क्या था? न्यूटन पर मीटर अपॉन, इसको तो यूनिट है नहीं, गामा, न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू डायमीटर मीटर, न्यूटन न्यूटन कैंसर, मीटर क्यूब गया ऊपर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर बचा। कभी भी अगर भूल गए यूनिट तो कॉमन सेंस लगा लेने का, क्लियर? ठीक, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। गामा इक्वल टू क्या? रो जी ना, तो एमसीक्यू में ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, ऐसा भी ऑप्शन रहेगा एंड बोथ ए एंड बी भी रहेगा, क्लियर? ठीक, लिखते हैं, बोलता हूं वैसे लिखते हैं, सबने टाइटल क्या दिया? कैपिलरिटी। एक काम करो ना, पहले सरफेस टेंशन दो ना टाइटल, पहले टाइटल सरफेस टेंशन दो ना, फिर कैपिलरिटी लिखते हैं। लिखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट टेंशन इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। नीचे लिखो, सिग्मा इक्वल टू एफ बाय एल न्यूटन पर मीटर, एफ बाय एल न्यूटन पर मीटर। नीचे लिखो, फॉर वाटर सिग्मा इक्वल टू 0.073 एंड फॉर मर्क्यूरी 0.52 न्यूटन पर मीटर, 0.52 न्यूटन पर मीटर। अब नीचे लिखो, टाइटल दो, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। ये जितने भी प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं रिटर्न पेपर में 10-10 बार आए हुए हैं सारे प्रॉपर्टीज, एक एक मार्क के लिए, क्या दो दो मार्क के लिए। डिफाइन द फॉलोइंग, चार प्रॉपर्टी या पांच प्रॉपर्टी देते हैं, इसलिए सभी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यूनिट सब लिख के आना दो मार्क के लिए। ओके, लिखते आगे, कैपिलरिटी, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड वर्टिकली, इंसर्टेड वर्टिकली इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड कॉमा द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब, द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब आइदर राइजेस और फॉल्स with respect to the level of liquid, with respect to the level of liquid. Full stop. This phenomena, this phenomena is called as capillarity.
साहब, कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी इज ड्यू टू कोहेजन एंड एडिजन. फुल स्टॉप. व्हेन एडिजन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड ट्यूब, व्हेन एडिजन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड ट्यूब इज ग्रेटर देन कोहेजन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कॉमा लिक्विड वेट्स द सरफेस, WETS, लिक्विड वेट्स द सरफेस ऑफ ट्यूब, लिक्विड वेट द सरफेस ऑफ ट्यूब एंड देयर इज कैपिलरी राइज एंड देयर इज कैपिलरी राइज. फुल स्टॉप. इन दिस केस कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड लिक्विड सरफेस इन द ट्यूब ब्रैकेट में मिनिस्कस MENISCUS मिनिस्कस इज कॉनकेव. हमने बोला कैपिलरिटी होता है ड्यू टू कोहेजन एंड एडहेशन. अब कोहेजन मतलब फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, एडहेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब कौन? एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल और ट्यूब, इनका क्या रहेगा? एडहेशन के कोहेजन. डिफरेंट मॉलिक्यूल से तो क्या रहेगा? एडहेशन. और सेम मॉलिक्यूल किसके रहेंगे? लिक्विड के. पढ़ना जरा क्या लिखा. एडहेशन जब ज्यादा होगा किससे? कोहेजन से. तो एडहेशन किसके बीच में होगा? लिक्विड एंड ट्यूब. वो एडहेशन ज्यादा हो किससे? कोहेजन से. किसके कोहेजन से? लिक्विड मॉलिक्यूल से. जब ऐसा हो तब क्या होगा? कैपिलरी राइज. और उल्टा होगा मतलब कोहेजन ज्यादा होगा और एडहेशन कम होगा तब कैपिलरी फॉल, तब थीटा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. अभी क्या आ रहा है? लेस देन 90 डिग्री. और वो जा रहा है कॉनकेव. और वैसा नहीं होता तो आता कॉन्वेक्स. ओके ठीक, बनाते ये डायग्राम बनाते. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, बाकी सब लिखवाता हूं मैं अच्छे से.
डन, लिखता है। लेट डी इक्वल टू छोटा डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, लेट डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, एच इक्वल टू छोटा एच हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, इसे लिखना अभी, वेट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, वेट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब अबाव द लिक्विड लेवल, अबाव द लिक्विड लेवल इज, इसे लिखो डब्ल्यू इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम इक्वल टू गामा इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एच, गामा इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एच, ब्रैकेट में दिखा दो डाउनवर्ड्स नीचे, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो डायग्राम तुमने ड्रॉ किया है उसमें रिजॉल्व किया हुआ दिखा दो, सिग्मा साइन थीटा सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा साइन थीटा सिग्मा कॉस थीटा, लिखा नीचे, नीचे लिखो एफ इक्वल टू, सीधा ये लिखना एफ इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल, सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, ब्रैकेट में अपवर्ड्स, ये जो वेट लिखा था उसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, ये जो फोर्स लिखा है इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो, इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेट करो और लिख दो, फोर सिग्मा कॉस थीटा बाय गामा डी मीटर्स, डन, इसी को लिख दो फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी मीटर्स, नीचे लिख के रखो जनरली फॉर वाटर, जनरली फॉर वाटर एंड ग्लास ट्यूब, जनरली फॉर वाटर एंड ग्लास ट्यूब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री एंड फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब थीटा इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री,
नीचे टाइटल देना, प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड, नीचे फर्स्ट ड्रॉपलेट, सेकंड बबल, एंड थर्ड लिक्विड जेट। थर्ड लिक्विड जेट, अपने को ये तीनों का इक्वेशन बनाना है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड, ड्रॉपलेट, बबल और लिक्विड जेट। क्या फर्क ड्रॉपलेट और बबल, सबको समझता है? ड्रॉपलेट में